आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक कोएच गिव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक कोएच तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक कोएच रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन पे जो हमारा हैलोजन अटैच रहता है और बीटा कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन अटैच रहता है, ये दोनों लीव कर जाते हैं एंड अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब हमें कंपाउंड क्या गिवन है, वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया, वन पे ब्रोमो एंड वन पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, अब हमें पता है कि जिस कार्बन पे हमारा ब्रोमीन यानी कि हैलोजन अटैच्ड होता है वो हमारा अल्फा होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग इसके जस्ट एडजेसेंट जो भी कार्बन होते हैं वो हमारे बीटा कार्बन होते हैं, गिवन दैट कि उनके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इस वाले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है तो ये भी हमारा एक बीटा कार्बन हो गया, इस वाले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन है तो ये भी बीटा कार्बन हो गया एंड इस वाले कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन है तो ये भी हमारा बीटा कार्बन हो गया। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम बीटा टू पोजिशन पे से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएं एंड अल्फा पोजिशन से ब्रोमीन का रिमूवल करवाएं तो क्या बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बीटा टू पोजिशन से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एंड ब्रोमीन यहाँ से अल्फा पोजिशन पे से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डबल बॉन्ड, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये। ठीक है, अब हम बीटा थ्री वाले साइड से देखते हैं, बीटा थ्री वाले साइड पे से देखें तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा थ्री वाला कार्बन था। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो फिर हमारा डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इधर हमारा डबल बॉन्ड आ गया। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, वन पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हमने जहां पे डबल बॉन्ड जहां से शुरू हो रहा है इसलिए हमने वहां से नंबरिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से हम डबल बॉन्ड जहां से शुरू होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ऐसे अब हम इसमें देखें, यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे क्या है, वन पे मिथाइल और क्या है ये, साइक्लोहेक्सीन, वन पे ही ईन लगा हुआ है तो साइक्लोहेक्सीन। अब हम देखें तो ये जो दो प्रोडक्ट बना हमारा, ये दो प्रोडक्ट तो हमारा सेम बन रहा है। अब अगर हमारा ये दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो हमारा बीटा टू और बीटा थ्री पोजीशन था वो तो आइडेंटिकल था। तो चाहे हम रिएक्शन इस बीटा थ्री कार्बन के साथ करवाएं या बीटा टू कार्बन पे करवाएं, हमारे को एक ही प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बीटा वन पोजिशन। तो जब हम बीटा वन पोजिशन पे से हम यहाँ पे ब्रोमीन निकालेंगे, ब्रोमीन रिमूव होगा एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हमारा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में, एक वन मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ये वाला एंड एक हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है कि इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शंस द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज द एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो हमारे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनके अराउंड जितना ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हमारा दो प्रोडक्ट बना, अब हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एक ये है CH2 अटैच्ड है एंड इस डबली कार्बन बॉन्डेड के पास भी CH2 अटैच्ड है। ठीक है, तो दो दो कार्बन, तो इसके पास यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। इस
इस डबली बॉन्ड कार डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास थ्री अल्काइल ग्रुप्स है, एक हमारा ये CH3, एक CH2 एंड एक CH2। तो इस पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इसके अराउंड है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है यहाँ पे, तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एंड ये हमारा मेजर प्रोडक्ट भी हो जाएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, 1-methyl cyclohexene। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।